जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए क्योंकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी रिजल्ट से रिलेटेड हो, तो सारी जो जानकारी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मेरे चैनल पे मिल सके। इसलिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ अपडेट CRPF SCM के रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे वो आपके 22 फरवरी से कंडक्ट हुए थे और 11 मार्च तक ये चले, ठीक है दोस्तों? ये आपको सभी को जानकारी होगी। इसके जो एग्जाम है वो हो चुके हैं, उसके बाद बहुत दिनों से सभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई CRPF SCM का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, CRPF ने बहुत वादे किए थे कि भाई आपका जो टाइपिंग है वो जल्दी हो जाएगा, टाइपिंग डेट्स भी कुछ मेंशन की थी, बट अभी कुछ भी शेड्यूल से नहीं हो पाया। तो दिन पे दिन यहाँ पे डिले होता जा रहा है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले अभी एक मैसेज भी देखा था, उसमें उस मैसेज में एक सिग्नल था, वो तो सिग्नल में दोस्तों लिखा हुआ था जो आपकी टाइपिंग कंडक्ट होगी वो आपकी टाइपिंग 1st week of May में होगी, ठीक है दोस्तों? ऐसा भी लिखा आया था और ऐसा भी सुनने में आया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो CRPF ने मतलब एक तरह से बिल्कुल मतलब झकझोर कर दिया है बच्चों को। बच्चे कंफ्यूज हैं कि कब क्या हो, पर इनको कंफ्यूज बहुत तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि अब क्या होगा, जैसे CRPF कोई अपडेट नहीं दे रहा है इन चीज़ों के रिलेटेड कि भाई रिजल्ट कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कब टाइपिंग होगा, क्या है, इस चीज़ से रिलेटेड कोई अपडेट CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर द्वारा कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्तों? तो इससे जो बच्चे हैं वो क्या है, डिले पड़ जाएंगे, टाइपिंग नहीं करेंगे, ठीक है? और जैसे ही वो रिजल्ट एकदम से दे देंगे और फिर वो टाइपिंग अपना जब टाइपिंग एग्ज़ाम होगा तो वह टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये आपको कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न में आपको डाल रहे हैं। तो जो भी है भाई, उनका जो भी प्रोसीजर है, बाकी ये कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट तो बना हुआ है, ठीक है, बाकी जो बोर्ड मेंबर हैं वो ही है, उसको जो रिजल्ट है उसको आगे मतलब नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ तैयार है बट बस रिजल्ट आने की देरी है। तो दोस्तों, जैसा कि सुनने में आया है, अब मैं भी एक तरह से आपको बता देता हूँ, देखो 100% तो मैं भी नहीं कह सकता, जैसा कि सुनने में आया है कि कब है जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? बाकी सभी अपना जो है टाइपिंग के लिए तैयार रहे। अब इस चीज को सोचना छोड़ दें कि भैया कब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बस जल्दी आने में ही है, बच को कुछ समय और है, ठीक है दोस्तों? कुछ समय और है, रिजल्ट जल्दी आने में ही है। और मैं इतना भी बता देता हूँ, जिसकी जो टाइपिंग है, जिसके जो नंबर है 40 नंबर, ठीक है, जिसके भी 40 नंबर है EWS में और जनरल में और OBC, भाई वो 40 नंबर वाले टाइपिंग के लिए तैयार रहे दोस्तों,
टाइपिंग के लिए वो भैया अपना तैयार रहें, क्योंकि टाइपिंग आपकी कंडक्ट होनी है और 40 नंबर वालों का भी नंबर आएगा। तो दोस्तों कुछ ना से बेहतर, अगर जैसे भैया किसी का 41 नंबर है, 42 नंबर है, कोई बात नहीं, अपना टाइपिंग में आप लगे रहो। कम से कम आपको ये तो होगा कि भैया हम फेल हुए तो टाइपिंग में कैसे हुआ। अगर टाइपिंग में पास हो जाते हो तो कम से कम आपके पास एक प्रूफ रहेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा कि भाई टाइपिंग टेस्टों में पास कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपना टाइपिंग तैयारी करते रहें, क्योंकि 40, 47, 42 वाले हैं जो नोटिफिकेशन में, तो देखो दिया ही था CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ने कि भाई 40% वाले जो होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी है आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइपिंग के लिए आप प्रिपेयर रहें। और जो 35 नंबर वाले हैं, जो भी एससी में आते हैं, SC ST, ठीक है, इनमें जो आते हैं वो 35 नंबर पे तैयार रहें। ठीक है, जिसके 35 नंबर है वो भी तैयार रहें। ठीक है, 35 से 40, 45, देखो सभी के अप्रोक्स इतने नंबर मतलब नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा। ठीक है, 40-45 तो सभी ले ही लेते हैं, तो बट आपका टाइपिंग जरूर होगा और टाइपिंग की प्रिपरेशन आप करते रहें। ठीक है, और रिजल्ट की बात ये रही तो रिजल्ट आपका जून के अंदर आ जाएगा, जून में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये भी फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर। ठीक है, अब इतना इंतज़ार नहीं होगा, फर्स्ट वीक के अंदर या सेकेंड वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, वो जैसे भी डिले कर रहे हैं उनका रीज़न है या जो भी है। ठीक है, फर्स्ट वीक या वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं जो भी है कि बच्चे भैया टाइपिंग ना करें, मतलब इस तरीके जो भी है कंफ्यूजन आपको है उनको है जो भी है वो कर रहे हैं, तो आप अपना बट तैयार रहें। कोई कभी भी आए रिजल्ट वैसे फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें टाइपिंग के लिए। ठीक है, अपना टाइपिंग की तैयारी करते रहें। बाकी टाइपिंग से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है कि भाई किस हिसाब से आप टाइपिंग करो। ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड सारा मैंने वो मटेरियल भी तैयार कर रखा है, आपको दिया भी था, बता भी रखा है कि भाई कैसे मटेरियल क्या क्या है। बाकी डाउनलोड करके मैं फिर से एक टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाना, मैं टाइपिंग मटेरियल आपको दे दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो इसमें मैं मेंशन भी कर दूँगा टाइपिंग जो है मटेरियल, ये टेलीग्राम चैनल भी कर दूँगा, और जो टाइपिंग से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई अब किस हिसाब से टाइपिंग करें, तो उसकी वीडियो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका जो रिजल्ट है वो जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा। आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें इसके टेस्ट के लिए। ठीक है, बाकी जो है PST वगैरह तो इसमें होता ही नहीं है। PST तो नॉर्मल स्टैंडर्ड मतलब जो मेजरमेंट है आपका वही होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, बाकी आपका मतलब रनिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, बाकी यही होता है, तो इसके लिए वैसे आप तैयार रहें। ठीक है, सब हो जाएगा। और टाइपिंग के लिए अगर आप टाइपिंग नहीं करते हो, फिर आपका फाइनल रिजल्ट जैसे भी इस रिजल्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे फिर आप मतलब निकल जाते हो, तो फिर आपको अफसोस रहेगा कि यार टाइपिंग तो थोड़ा सा हम कर लेते तो शायद टाइपिंग भी हम पास कर पाते। ठीक है, तो टाइपिंग अपना प्रिपेयर रखें। ठीक है, लगातार भागों में टाइपिंग करते रहें। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-10 दिन जो भी है यही है अपना टाइपिंग करते रहें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है वो लाता रहूं, और फिर आगे आगे मैं आपके लिए स्टडी से रिलेटेड भी जो कंटेंट है वो लाता रहूंगा। कुछ समय की सीमा होने के कारण मैं ज़्यादा मतलब स्टडी कंटेंट में ला नहीं रहा हूं, बट धीरे धीरे आपके लिए ऐसा कंटेंट लाऊंगा कि आप भी ये कहोगे कि वाह कि हाँ कुछ कंटेंट है, उसमें से ज़रूर आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जय हिंद।